हाय माय किड्स, सो आज हमने साइंस में स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन ये दोनों के बारे में पढ़ाई करेगा. ओके, सो दिस इज़ आवर फोर्थ सेशन इन दिस चैप्टर. इसमें हमने नर्वस सिस्टम के, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में हमने अभी पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, सो इसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ाई किया, नर्व्स के बारे में पढ़ाई किया. इन लास्ट सेशन वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स. ओके, लाइक सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्सर नर्व्स. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न स्पाइनल कॉर्ड. अभी हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाई करेगा. नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के बारे में पढ़ाई किया, नर्व्स के बारे में पढ़ाई किया. नाउ इट्स टाइम टू लर्न स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट अस सी. सो स्पाइनल कॉर्ड हमको पता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन. हमारा बैकबोन हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. सो ये स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन. हमारा जो ब्रेन होते हैं इसका एक एक्सटेंशन होते हैं. लाइक इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मेडुला, मेडुला से शुरू होते हैं अप टू द बैक, अप टू द लोअर पार्ट ऑफ आवर बैकबोन. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द लोअर पार्ट ऑफ आवर बैकबोन. उधर तक ये स्पाइनल कॉर्ड होता है. एंड इट इज़ लाइक ए बंडल ऑफ नर्व्स. इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स एक साथ अटैच्ड है. ओके, सो दैट इज़ वॉट आवर स्पाइनल कॉर्ड. एंड इसका इम्पोर्टेंस यही होते हैं, जो मैसेजेस और जो कमांड्स हमारा ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन में जाता है और जो और सेंसरी ऑर्गन से हमारा ब्रेन में जाता है, ये सभी स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा. अंडरस्टूड? द मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड द कमांड्स विच ट्रैवल्स फ्रॉम ब्रेन टू all the parts of our body which passes through our spinal cord. ये सभी हमारा spinal cord से जाता है. So अगर ये spinal cord inactive हो गए तो क्या हो जाएगा? ये messages और ये commands सभी pass नहीं हो जाएगा, मतलब हमको कुछ feel नहीं कर सकते हैं. Understood? So that is why spinal cord is very much important. So spinal cord, it is like a thick bundle of nerves and it is protected by our backbone. So now let us learn about reflex actions. अभी देखिएगा reflex action के बारे में. So पहले हमने बोला था जो actions हमने करता है, okay, it is all controlled by our brain. ये actions अभी हमारा brain control करते हैं. लेकिन जो कुछ actions होते हैं that are not controlled by our brain, ये actions हमारा brain control नहीं करते हैं. Only a few actions. क्योंकि दिस आर ऑटोमेटिक और दिस आर इनवॉलंटरी, इट हैपन्स विदाउट आवर नॉलेज. ये हमारा नॉलेज से नहीं होते, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली. दे आर इनवॉलंटरी एक्शंस. लाइक इफ़ यू आर सीइंग सम डिलीशियस फूड, हमने एक अच्छा खाना देखे तो क्या लगेगा हमको? हमारा जो मुँह में सभी पानी भर जाएगा, है ना? सो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारा कंट्रोल में नहीं होते. देन टचिंग ए हॉट पैन, मतलब जो हमारा किचन में जाके हमने एक हॉट पैन को टच किया तो जल्दी हमने हमारा हाथ वापस करेगा, वी विल विड्रॉ आवर हैंड्स सो फास्ट. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. ओके, सो सच एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस. ऐसे जो एक्शंस होते हैं इसको हमने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. इट इज़ वेरी सडन, बहुत जल्दी होते हैं दिस काइंड ऑफ एक्शंस. एंड दिस आर कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड. ये एक्शंस हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. अंडरस्टूड? सो अभी हमको क्या पता चला? अभी हमको पता चला था कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस अभी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, इसमें ब्रेन को कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होते है. सो रिफ्लेक्स एक्शन का जो कमांड सभी हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन. ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल देखिएगा. सपोज इफ यू आर एक्सीडेंटली टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, लाइक
वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैंडल. ओके कैंडल देखो, कैंडल में टच हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हमने हमारा जो हैंड विड्रॉ करते हैं. सो इसमें इसका जो फंक्शनिंग कैसे होते हैं, लेट अस सी. सो वी आर टचिंग दैट हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जो चेंज हमारा बॉडी में होते हैं. दिस चेंज इट इज़ नोन एज स्टिमुलस, इसको हमने स्टिमुलस कहते हैं. स्टिमुलस मतलब द चेंज विच इज़ हैपनिंग एक्सटर्नली और इंटरनली. ये स्टिमुलस की वजह से ये रिफ्लक्स आर्क फॉर्म होते हैं. ओके सो वी आर एक्सीडेंटली टचिंग दैट हॉट ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, our sensory nerves in the skin, they will carry message of pain to our spinal cord. Understood? जो हमारा sensory nerves होता है हमारा skin में, ये sensory nerves ये message pass करते हैं हमारे spinal cord को ताकि हमको दर्द लगते हैं. So automatically what will happen, spinal cord send an order to the appropriate muscle to withdraw that particular portion. Spinal cord हमको बोलेगा हमारा जो कौन सा मसल है वो मसल को बोलते हैं ताकि हमको हमारा जो स्पेसिफिक ऑर्गन उधर से विड्रॉ करना चाहिए. अंडरस्टूड? सो दीज आर कंट्रोल्ड बाई मोटर नर्व्स, ये मोटर नर्व्स करते हैं. सो दिस इज अ रैपिड एक्शन, बहुत जल्दी होते हैं. सो दैट इट इज़ नोन एज रिफ्लक्स एक्शन, इसलिए हमने इसको रिफ्लक्स एक्शन कहते हैं. सो ये न्यूरल पाथवे को हमने रिफ्लक्स आर्क कहते हैं. अंडरस्टूड? फ्रॉम पेन द मैसेज इट पासस टू अवर स्पाइनल कॉर्ड एंड द कमांड विच विल रिसीव्ड एट द अप्रोप्रिएट मसल. सो ये पूरा न्यूरल पाथवे को हमने रिफ्लक्स आर्क कहते हैं. एंड दिस रिफ्लक्स एक्शन, देर आर मेनली टू टाइप ऑफ रिफ्लक्स, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारा इनर ऑर्गन को होता है, एंड सोमैटिक मतलब जो हमारा मसल को फील होता है. इसके बारे में हमने हमारा 6th में 7th में से भी ज़्यादा पढ़ाई करेगा. ओके लेट अस सी सम अदर रिफ्लक्सेस. इफ़ यू आर लुकिंग ऑन अदर एग्जाम्पल्स लाइक वी आर कफिंग, ओके जो हमने कफिंग करते हैं, स्नीसिंग करते हैं, वी आर ब्लिंकिंग आवर आईज एंड वी आर योनिंग, ये सभी ये रिफ्लक्स एक्शन होते हैं. सो ये मैकेनिज्म होते हैं, इट सेव्स अस फ्रॉम सीरियस इंजुरीज. ये मैकेनिज्म से, ये रिफ्लक्स एक्शन की वजह से इन सम कंडीशंस वी वॉन्ट गेट मच इंजर्ड. ओके इसकी वजह से हमको ज़्यादा इंजुरी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अगर ये आग में टच किया तो बहुत जल्दी हमने हमारा हाथ विड्रॉ कर दिया, सो दैट द बर्निंग विल बी वेरी माइनर. सो सच मैकेनिज्म दिस रिफ्लक्स एक्शन, इट सेव्स अस फ्रॉम सेवरल इंजुरीज. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी जस्ट लर्नड स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लक्स एक्शन. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम क्या पढ़ा किया, स्पाइनल कॉर्ड इट एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन एंड इट इज़ लाइक ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स. जो मैसेजेस और कमांड्स फ्रॉम आवर ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन एंड सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन, इट पासस थ्रू आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड इट आल्सो कंट्रोल्स आवर रिफ्लक्स एक्शन. हमारा रिफ्लक्स एक्शन भी ये कंट्रोल करते हैं. रिफ्लक्स एक्शन के बारे में क्या पढ़ाया गया, रिफ्लक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी, मतलब जो ऑटोमेटिकली होते हैं. दैट काइंड ऑफ एक्शंस आर रिफ्लक्स एक्शन एंड दिस आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं एंड दिस रिफ्लक्स एक्शन इट सेव्स अस फ्रॉम मेजर इंजुरीज, क्योंकि ये बहुत सडनली, बहुत जल्दी, बहुत तेज होते हैं. सो लेट अस वाइंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू माई गाइज़.